भीष्म पितामह यांनी प्राण सोडण्यापूर्वी कृष्णाला काही प्रश्न विचारले, ते आजच्या काळात किती समर्पक आहेत हे पाहावे. आपण फक्त देवावर भार घालून गप्प बसलो तर चालेल का, की आपल्याला हातपाय हलवायला पाहिजेत, आणि चांगल्या लोकांकडून वाईट झालं तर ते किती ग्राह्य आहे हे सर्व पितामह भीष्म पितामह कृष्णांना विचारतात आणि कृष्ण खूप सुंदर रीतीने त्याचं वर्णन करतात. ऐकूया. भीष्म चुप रहे और कुछ क्षण बाद बोले की पुत्र, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके केशव, उनका ध्यान रखना, परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके, राजप्रसाद में उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है. कृष्ण भगवान चुप रहे. भीष्म पितामह ने पुनः कहा कि कुछ पूछूं केशव, बड़े अच्छे समय से आए हो, संभवतः धरा छोड़ने के पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएं. कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह, एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना. कृष्ण ने बीच में ही टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पौत्र हूं पितामह, ईश्वर नहीं हूं. भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठट्ठा के हंस पड़े और बोले कि अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस धरा से जा रहा हूं कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दे रे. कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सरक आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह. भीष्म बोले कि एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? भगवान कृष्ण ने कहा, किसकी ओर से पितामह? भीष्म बोले कि पांडवों की ओर से. कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ और द्रोणाचार्य के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? ये सब उचित था क्या? भगवान श्री कृष्ण बोले, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया. उत्तर दें दुर्योधन, दुशासन का वध करने वाले भीम, उत्तर दें कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन. मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह. पितामह बोले कि अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूं कन्हैया कि यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है. मैं तो उत्तर तुम्हीं से पूछूंगा कृष्ण. श्री कृष्ण जी बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए. पितामह ने कहा कि यह तुम कह रहे हो केशव, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है, यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे गया? भगवान कृष्ण ने कहा, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है. हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है. राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया था, हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह. पितामह बोले, नहीं समझ पाया कृष्ण, तनिक समझाओ तो. श्री कृष्ण जी बोले, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह. राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था, तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण, मंदोदरी, माल्यवान जैसे संत हुआ करते थे, तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे. उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसीलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया. किंतु मेरे युग के भाग में मैं कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं, उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह. पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे जिस विधि से हो. पितामह बोले, तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा, और यदि करेगा तो क्या यह उचित होगा? श्री कृष्ण बोले, भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह. कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा, वहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा. जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह.
तब महत्वपूर्ण होती है धर्म की विजय, केवल धर्म की विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा पितामह। पितामह बोले, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। जय श्री राम। हर हर महादेव।